ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सती ने जब अपने मायके में अपने घर में प्रवेश किया तो हमने इसके बारे में कुछ वर्णन किया था कि जो वहाँ पर ब्राह्मण गण थे, जो वहाँ पर ऋषि गण थे, बाकी जो वहाँ पर अतिथि पधारे हुए थे, किसी ने भी डर के मारे, दक्ष से डर के सती का स्वागत नहीं किया। न केवल उतना, जब उनकी माँ, उनकी बहनें, उन्होंने किसी की भी परवाह किए बिना सती का मधुर शब्दों में जब स्वागत किया तो सती ने ये देखा कि उनकी माँ तो उनका स्वागत कर रही है, उनकी बहनें भी उनसे मिलने के लिए आई हैं, लेकिन उनके पिता दक्ष जो थे उन्होंने सती को बिल्कुल अनदेखा कर दिया था। मानो उन्होंने देखा भी नहीं कि सती जो है उस सभा में वहाँ पर पधारी है, वहाँ पर आई है, और बिल्कुल दक्ष चुपचाप थे, एक शब्द भी उन्होंने अपने मुंह से नहीं निकाला। जरा सोचिए, अगर आप बेटी हैं किसी पिता की, आप किसी कार्यक्रम के लिए, किसी त्यौहार के लिए आप अपने घर में जाते हैं और आपकी बहनें आपका स्वागत करती हैं, आपकी माँ आपका स्वागत करती है, लेकिन आपके पिता अगर आपको अनदेखा करते हैं, आपसे बात भी नहीं करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो इसी प्रकार से सती ने वहाँ पर ये सब अनुभव किया। अब आगे सती और क्या देखती है? वो देखती हैं कि जो वहाँ पर महान यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में जो ब्राह्मण वहाँ पर मंत्रों का जप कर रहे हैं, उन मंत्रों के जप के द्वारा किसी भी यज्ञ में क्या होता है, ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये समझना कि यज्ञ जो है भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए किया जाता है, लेकिन उस यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है, जो उसका प्रोसेस होता है, वो कैसा होता है कि भगवान विष्णु के जो अलग अलग जो देवता हैं इस भौतिक संसार में, उन सभी देवताओं का भी आवाहन किया जाता है यज्ञ में, उनको भी भागीदार बनाया जाता है। तो जब आहुति चढ़ाई जाती है तो भगवान के प्रसाद के रूप में इन सभी देवताओं को भी आहुति चढ़ाई जाती है। ये आहुति यज्ञ में कैसे चढ़ाई जाती है? जब कुछ भी हम यज्ञ के अंदर में डालते हैं, जैसे कुछ भोग हुआ, घी हुआ, या फिर कुछ लकड़ी जब हम यज्ञ में डालते हैं, तो हम मंत्र का जप करते हैं स्वाहा, उसे आहुति कहा जाता है। तो अलग अलग देवताओं को आहुति प्रदान की जाती है। सती ने देखा कि बाकी सभी देवताओं को आहुति प्रदान की गई है, जानबूझ करके केवल
शिव जी के लिए वहां पर कोई आहुति प्रदान नहीं की गई है। नमो शिवाय स्वाहा, इस प्रकार के मंत्र के जप के द्वारा कोई भी ब्राह्मण वहां पर उस यज्ञ में जो है आहुति प्रदान नहीं कर रहा है। तो ये सब देख करके सती जो है अत्यंत दुखी हो जाती है, और दुख के साथ में क्योंकि उनके पिता दक्ष ने न केवल आमंत्रण तो भेजा ही नहीं, इनविटेशन तो भेजा ही नहीं, उसके साथ साथ में उनकी जब पुत्री आई, उनकी जब स्वयं की पुत्री आई, क्योंकि वो शिवजी की पत्नी थी अब सती, इसलिए उनका अपमान किया, उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनको बुलाया भी नहीं, अपनी स्वयं की जो बेटी है जो अत्यंत प्रिय थी। तो इसके कारण, और यहाँ पर बाद में सती देखती है कि यज्ञ में भी शिवजी के लिए कोई आहुति नहीं चढ़ाई जा रही है, तो ये सब देख करके सती जो है दुखी भी हो जाती है और अत्यंत क्रोधित हो जाती है। उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, मानो वो अपने पिता को अपनी इन लाल आंखों से जला करके भस्म कर देंगी। तो जब इस प्रकार से सती क्रोधित होती है, तो शिवजी के जो वहां पर अनुचर आए थे सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लेते हैं, और जब उन्होंने देखा कि उनके स्वामी शिवजी का इस प्रकार से इस यज्ञ में भी अपमान हुआ है, तो उन्होंने निश्चय किया कि दक्ष को जो है सजा दी जाए, और खासकर उनको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। तो सारे शिवजी के अनुचर तैयार थे अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा दक्ष को मारने के लिए, लेकिन सती ने जो है उन्हें मना कर दिया। और अब सती क्रोध में आकर के खासकर दक्ष को और उन मूर्ख लोगों को, जिनको जो बड़ा बड़ा यहां पर महान यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन सदाचार क्या होता है, किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए, किस प्रकार के गुण व्यक्ति के अंदर में होने चाहिए, किस प्रकार का हमें जो है कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जो अज्ञानी लोग वहां पर थे, उन सब के लिए अब सती जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ उनको समझाती है। वो कहती है कि इस प्रकार के यज्ञ करने का कोई भी फायदा नहीं है, इस प्रकार का यज्ञ अगर किया जाता है तो इसका फल भी निष्फल होता है, और इन सब को करने से केवल क्या प्राप्ति होती है, श्रम एव ही केवलम, केवल ये एक प्रकार से जानवर जिस प्रकार से श्रम करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकलता है, ठीक उसी प्रकार का है ये। तो ऐसा सती क्यों कहती है ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जैसा हमने वर्णन किया था कि जो भी यज्ञ किया जाता है वो भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है, इसलिए आपको पता होगा भगवान विष्णु को क्या नाम से पुकारा जाता है, भगवान को कहा जाता है यज्ञेश्वर। जो यज्ञ के ईश्वर हैं उन्हें यज्ञेश्वर कहा जाता है। भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, वो कहते हैं सभी प्रकार के यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, सभी प्रकार की तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं। तो यज्ञ जो है हमारे माइंड में, हमारे मन में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए,
भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, क्या दक्ष ने ये यज्ञ जो है भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए किया? जब यज्ञ भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं किया जाता है और केवल अपने व्यक्तिगत कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूर्ण करने के लिए अगर यज्ञ किया जाता है तो भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए नहीं है। तो यहां पर जो दक्ष जो यज्ञ करवा रहे हैं वो भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए नहीं है, वो कुछ अपने कार्य कर्म पूर्ण करने के लिए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इतना बड़ा यज्ञ करवा के दक्ष का आइडिया क्या था, उसका विचार क्या था कि मैं बड़ा यज्ञ करवाऊंगा और उसमें शिवजी को आमंत्रण नहीं दूंगा, उनका अपमान होगा। मतलब यज्ञ जो है भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं, भगवान के भक्त के ऊपर लांछन लगाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए यहां पर दक्ष जो है यज्ञ कर रहे हैं। भला इस प्रकार का यज्ञ का फल क्या मिलेगा, हम समझ सकते हैं? जरा सोचिए, जो किसी भक्त के अपमान के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उनके लिए वहां पर आहुति भी नहीं चढ़ाई गई है, उनको निमंत्रण भी नहीं दिया गया है, और आने के बाद में जब सती, क्योंकि उनकी पत्नी है, आने के बाद में उनका भी अपमान हुआ है, तो भला इस प्रकार के यज्ञ का क्या फल मिलने वाला है? यूजलेस, बेकार का है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तब हम सोच सकते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, हो सकता है दक्ष ने जो है ठीक है शिवजी का उन्होंने आमंत्रण नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि दक्ष जो है अपने यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु की संतुष्टि करना चाहते, ठीक है उसमें क्या है, शिवजी को नहीं बुलाया। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर हम एक उदाहरण दें, मान लीजिए आपके पास में एक पालतू जानवर है और आप उस जानवर से बड़ा प्रेम करते हैं, आप किसी के घर में जाते हैं और वो आपको कहता है कि आप तो अंदर आइए, आपका जो ये पालतू जानवर है उसको मैं लात मारूंगा, तो क्या आप खुश होंगे? तो इसी प्रकार से भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं, उनके भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो अगर हम कहें कि भगवान मैं आपकी तो उपासना करूंगा लेकिन आपके भक्तों का अपमान करूंगा, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उनका अपमान करूंगा, उनका निरादर करूंगा, तो आप क्या सोचते हैं कि भगवान प्रसन्न होंगे? ये हमें समझना है। इसलिए देखिए भागवत में क्या कहा है, धर्म स्वनुष्ठिताम पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयाह ना उत्पाद्यते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। हम घर के अंदर में अनेकों प्रकार के धर्मों का अनुष्ठान करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, लेकिन उन सब अनुष्ठानों के द्वारा अगर हमारी रुचि भगवान की तरफ नहीं बढ़ती है, अगर भगवान की कथाओं में हमारी रुचि नहीं बढ़ती है, तो ये जो भी हम अनुष्ठान कर रहे हैं भागवत के अनुसार, वो केवल जानवर जैसे श्रम करता है उसके बराबर है। श्रम एव ही केवलम। तो यहां पर हम दक्ष के बारे में भी यही समझ सकते हैं कि अगर उसने भगवान की प्रीति के लिए यज्ञ किया होता तो उसकी रति, उसकी रुचि भगवान की तरफ बढ़ी होती, उसका प्रेम भगवान की तरफ बड़ा होता, उसका आकर्षण भगवान की कथाओं की तरफ बड़ा होता। और अगर भगवान से कोई प्रेम करता है तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक है कि वो भगवान के भक्तों से प्रेम करेगा, भगवान के भक्तों का आदर करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर दक्ष के मन के अंदर में भगवान शिव के प्रति प्रेम की जगह में
अगर ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है तो वो कहां से भगवान की भक्ति कर रहा है, ये हमें समझना है। और ये भी प्रश्न उठ सकता है कि सती अपने पिता के ऊपर इस प्रकार से क्रोधित क्यों हो रही है, क्या ये सही है एक पुत्री के लिए अपने पिता के ऊपर इस प्रकार से क्रोधित होना। देखिए, सती अगर उनका अपमान हुआ होता और केवल अपने लिए सती अगर क्रोधित होती कि मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, तो वो सही नहीं था। लेकिन जब उनके पति का अपमान हुआ, और वो भी वो कौन है, वैष्णवानाम यथा शंभु, जो वैष्णवों में सबसे अग्रणी है, इस प्रकार के महान भक्त का अगर अपमान होता है तो हम जो हैं अगर चुप बैठ जाएं तो वो सही नहीं है। तो सती इसलिए क्रोधित होती है। जैसे हम देखते हैं कि नित्यानंदा प्रभु जब उनके ऊपर जगाई और मधाई ने चोट पहुंचाई, वो शांत रहे, उन्होंने कोई अपमान नहीं लिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको छोड़ा नहीं, चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनका गला काटना चाहते थे। तो भगवान जो हैं अपने ऊपर अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के ऊपर अपमान सहन नहीं करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो सती ने जो किया वो बिल्कुल सही था। अब और सती जो हैं इस भरी सभा में दक्ष से क्या कहती हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।